आगामी 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचने वाली है। आगरा शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसको लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन शहर कांग्रेस कार्यालय पर किया। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा 25 फरवरी को अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा जिले में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा टेढ़ी बगिया से होते हुए कालंदी बिहार रामबाग यमुना ब्रिज यमुना किनारा बालूगंज प्रतापपुरा ग्वालियर रोड होते हुए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह देखा जा रहा है। जिला शहर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए 25 फरवरी को आगरा शहर में निकलने वाली राहुल गांधी की यात्रा पर क्या क्या तैयारी की जा रही है, यह सभी जानकारी दी। देखिए, माननीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 तारीख को आगरा आ रही है, जो टेढ़ी बगिया से उनका रोड शो शुरू होगा और कालिंदी बिहार तक वो अपना रोड शो करेंगे। उसके बाद बाई कार जो है शहर के अंदर से होते हुए वो माल रोड होते हुए प्रतापपुरा होते हुए ग्वालियर रोड की ओर जाएंगे। यात्रा की तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर से चल रही हैं। यात्रा के पूरे रूट पर हर जगह होर्डिंग बैनर झंडों से उस रूट को पाट दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोर शोर के यात्रा के प्रचार में लगे हैं, प्रचार वाहन भी चल रहे हैं। और चूंकि प्रियंका जी भी साथ आ रही हैं तो कार्यकर्ता में दुगना उत्साह है। और सुनने में आ रहा है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आ रहे हैं तो सपाइयों में भी बड़ा उत्साह है। तो उस समय आगरा जो है एक इंडिया गठबंधन की ऐसी छाप छोड़ के जाएगा वो 25 तारीख का दिन कि उससे जो है लोकसभा चुनाव का समीकरण बदल जाएंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 25 तारीख के राहुल की इस यात्रा में शहर भर के कांग्रेसी भाग लेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल होंगी, जिसमें उनकी स्वागत की तैयारी बड़े ही जोर शोर के साथ की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कैमरा पर्सन अखिलेश भटनागर के साथ संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।